मनी पटियाला शहर में रहने वाला एक व्यक्ति है। एक दिन मनी किसी काम से अपने घर के पास वाले मॉल में कुछ खरीदने जाता है, और जैसे ही वो सामान खरीद कर निकलने लगता है तो मॉल का मैनेजर उसे कहता है, सर आप हमारे लकी कस्टमर हैं, इसीलिए आपको हमारे आलीशान होटल में 3 दिन और 2 रातें रुकने का मौका मिला है जी, वो भी फ्री में। आप अपने साथ अपना एक कोई भी दोस्त लेकर जा सकते हैं, उसको भी ये सेवा बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। अरे सर धन्यवाद। सर आपका ये होटल कहाँ पर है? ओ सर हमारा होटल गोविंदगढ़ में है। सर आपको आज ही गोविंदगढ़ के लिए निकलना होगा क्योंकि ये ऑफर शुरू हो चुका है। जी सर, मैं अभी ही आधे घंटे में गोविंदगढ़ के लिए निकल जाता हूँ, ठीक है? मनी मैनेजर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मनी अपने साथ चलने के लिए अपने बहुत ही अच्छे दोस्त हनी को फोन करता है। और भाई हनी कैसा है? मैं तो बढ़िया हूँ भाई। तू सुना, तूने मुझे आज कैसे याद किया? मुझे ना एक गोविंदगढ़ के आलीशान होटल में 3 दिन और 2 रातें रुकने का मौका मिला है, और वो भी फ्री में, और मैं अपने साथ अपना कोई भी एक दोस्त लेकर जा सकता हूँ। क्या तू चलेगा मेरे साथ? अरे भाई नेकी और पूछ, कब निकलना है बोल। बस भाई तू पैकिंग कर ले, आधे घंटे में निकल रहे हैं। हाँ बस मैं जल्दी से पैकिंग करके तेरे घर पर आता हूँ। जल्दी आजा भाई, आज तो अपने मजे है। हनी अपनी पैकिंग करके मनी के घर पहुँच जाता है। मनी के घर पहुँचते ही वो दोनों एक गाड़ी में बैठ कर गोविंदगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। जब दोनों गोविंदगढ़ के आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे भाई ये अचानक बिन मौसम बरसात कैसे शुरू हो गई? अभी कुछ देर पहले तो मौसम अच्छा खासा साफ था। पता नहीं भाई आज मौसम को क्या हो गया है, पर तू चिंता क्यों कर रहा है? तेरा भाई है ना तेरे साथ, देख तुझे कैसे चुटकियों में मैं गोविंदगढ़ पहुँचाता हूँ। अरे भाई जब तू मेरे साथ है तो फिर काहे की चिंता। थोड़ा सा आगे जाते ही दोनों सहोली नाम के गांव में आ जाते हैं, और वहां पहुंचते ही उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। अरे भाई अब ये इस गाड़ी को क्या हो गया? पता नहीं भाई आज हमारे साथ क्या हो रहा है, पहले ये बिन मौसम बरसात और अब ये गाड़ी बंद पड़ गई। अब भाई क्या करे, आस पास तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, और रात भी होने वाली है, क्यों ना आज रात इसी गांव में कोई रहने की जगह देखकर रुक जाए। हाँ अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। दोनों अपने आसपास देखते हैं, उन्हें एक व्यक्ति वहां से जाता हुआ दिखाई देता है, तो मनी उससे पूछता है कि अरे भाई सुनो, यहाँ आसपास कोई रहने की जगह है क्या जहाँ पर हम दोनों रात गुजार सके? यहाँ पर रहने के लिए एक होटल तो है, पर वहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो होटल में कहा जाता है कि अक्सर मुर्दे दिखाई देते हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। अरे भाई क्यों अंधविश्वास फैला रहे हो, ये मुर्दे वुर्दे भूत वगैरह कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। अगर तुम लोगों को मरने का शौक है तो जाओ, मुझे क्या, यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो वो होटल दिख जाएगा। इतना कहते ही वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। चल यार मनी हम चलते हैं, ये तो मुझे कोई पागल लग रहा था। उस व्यक्ति की बातों को अनदेखा करके दोनों उस होटल में पहुंच जाते हैं, और जाते ही वहां के मैनेजर से अपने लिए कमरा बुक करने के लिए कहते हैं। सुनो मैनेजर, हम दोनों को आज की रात यहाँ पर गुजारनी है, तो हम दोनों के लिए एक ही कमरा बुक कर दो। और कितने रुपए में रहने के लिए कमरा मिल जाएगा? हमें सिर्फ आज रात के लिए ही चाहिए। सर यहाँ पर रहना और खाना पीना सब कुछ फ्री है। दोनों मैनेजर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। मैनेजर उन दोनों को उनके कमरे की चाबी देता है, और उनके सामान को पहुंचाने के लिए अपने एक आदमी को बुलाता है। वो आदमी लंगड़ाते हुए मैनेजर के पास आता है, और उन दोनों के सामान को उठाकर उनके कमरे तक पहुंचा देता है।
उस मैनेजर को देखकर और वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को देखकर मनी को अजीब सा लगता है। जब दोनों कमरे में बैठे होते हैं तो मनी कहता है कि यार हनी, तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मतलब कि उस मैनेजर के हाव भाव, इस होटल में काम करने वाले अजीब से कर्मचारी, और उस मैनेजर ने तो हमसे पैसे भी नहीं लिए। अरे यार, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गांव में लोग ऐसे ही होते हैं। चल, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं मैनेजर को बोल देता हूँ कि हमारे लिए कुछ खाने को भेज दे। हनी खाने के बारे में बोलने के लिए मैनेजर के पास जाता है। सुनो मैनेजर, हमें भूख लगी है, जल्दी से हमारे खाने के लिए कुछ अच्छी सी चीजें भेज दो। जी मालिक, मैं आपके लिए आज ऐसी चीज भेजूंगा जो आपने कभी भी नहीं खाई होगी। हाँ, जल्दी से भेज दो, हमें बहुत भूख लगी है। जी, भूख तो हमें भी बहुत लगी है, आप खाएंगे तभी तो हम खा पाएंगे। क्या मतलब? मालिक, थोड़ी ही देर में आप सब कुछ समझ जाएंगे। आप अपने कमरे में रुकिए, मैं आपके लिए खाना भेजता हूँ। हनी अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद होटल का वेटर उन दोनों के लिए खाने के लिए एक डिश लाता है। वो डिश एक बर्तन से ढकी हुई थी। इसमें क्या है? इसमें आपके लिए खाना है, आप इसे देखेंगे तो हमेशा के लिए याद रखेंगे। इतना कहकर वो वेटर वहां से चला जाता है। जब मनी डिश को देखने के लिए बर्तन को वहां से हटाता है तो वहां पर एक लड़की की कटी हुई गर्दन पड़ी होती है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। ये क्या है? मुझे शुरू से ही इस होटल में कुछ अजीब सा लग रहा था, तू ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। हाँ भाई, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब क्या करें? करना क्या है, भागो यहाँ से अपनी जान बचाकर। दोनों अपना सामान उसी कमरे में छोड़कर भागने लगते हैं और भागते हुए होटल के हॉल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। अरे भाई, कहां मुफ्त के चक्कर में फंस गए? अरे बातें करना छोड़ और भाग यहाँ से, वरना इन लाशों की तरह हम भी लाश बन के पड़े होंगे। दोनों होटल के दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करते हैं, पर मैनेजर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहीं पर खड़ा होता है। मैनेजर पूरी तरह से एक चलते फिरते मुर्दे में बदल चुका था। मैनेजर, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हनी, लगता है ये मर चुका है और मरने के बाद ज़ोंबी बन गया है। अब इस तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी, हमें यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा, नहीं तो ये हमें अपनी तरह बना देंगे। जैसे ही दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, वहां से कुछ और मुर्दे आ जाते हैं और वो हनी और मनी दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं और मौका पाकर मैनेजर हनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। हनी, अरे मैनेजर, तुमने ये क्या किया? मेरे दोस्त पर हमला क्यों किया? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? मनी, मनी मेरे दोस्त, मुझे बचा ले इन मर्दों से, नहीं तो ये मुझे जान से मार देंगे। जैसे ही मनी हनी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही मैनेजर उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और देखते ही देखते मनी वहीं पर मर जाता है। फिर मैनेजर दोबारा हनी पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे भी मार देता है। फिर अगली सुबह होटल के दरवाजे पर दस्तक होती है। कुछ मुसाफिर उस होटल में रुकने के लिए आते हैं। जैसे ही होटल का दरवाजा खुलता है, वो वही मैनेजर जो ज़ोंबी बन चुका था, वो एकदम ठीक हो जाता है और उन मुसाफिरों का स्वागत करता है। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे इस आलीशान होटल में। हम आपको ऐसी सर्विस देंगे जैसे आज तक आपको किसी ने भी नहीं दी होगी। जैसे ही मुसाफिर अंदर जाते हैं तो वहां पर सब कुछ ठीक होता है, ना ही कोई लाश होती है और ना ही खून की एक बूंद वहां पर होती है।
और हनी और मनी जिन्हें मुर्दों ने मिलकर मार दिया था वो भी एकदम ठीक होते हैं और उसी होटल में कर्मचारी बनकर साफ सफाई कर रहे होते हैं। अमित ऑटो चलाता था। एक दिन बहुत काम होने की वजह से रात के 12 बज गए थे। अमित घर वापस जा रहा था तभी रास्ते में अमित को एक सुंदर लड़की दिखाई दी। रुको रुको भैया रुको। अरे मैडम, आप इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? भैया, मैं इस जगह किसी को जानती नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं आई हूँ। कहाँ जाना है आपको? वो उसे एक पर्ची देते हुए कहती है। मुझे इस पते पर जाना है। ठीक है मैडम। अमित अपना ऑटो चला ही रहा था कि उसका ध्यान शीशे पर पड़ता है। शीशे में रूपा का असली चेहरा दिख रहा था। रूपा एक चुड़ैल थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई है? ये लड़की तो एक चुड़ैल है। भगवान मेरी रक्षा करे, मुझे बचा ले। भैया बस ऑटो रोक दीजिए, मुझे यही जाना है। हे भगवान रक्षा कर, भगवान रक्षा कर। कितने पैसे हुए? अमित बिना पैसे लिए डर के मारे ऑटो को पूरी तेजी से अपने घर चला जाता है। बिना खाए पिए अमित सो जाता है। सुबह जब उठता है, रात को क्या हुआ था जी? भूत देख लिए थे का? तुम्हें कैसे पता? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप सीधे आए और कुछ बोले भी नहीं, खाना भी नहीं खाए और बस जाके सो गए। मुझे कुछ याद नहीं है। अमित और कमला आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रूपा दरवाजा खटखटाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रूपा को देखकर अमित के पसीने छूटने लगते हैं। आइए अंदर आइए आइए। इस मोहल्ले में मैं नहीं हूँ भैया, कल मुझसे पैसे लिए बिना ही वहाँ से चले गए। कोई बात नहीं। क्या हुआ था जी, आपके इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? गर्मी गर्मी बहुत ज्यादा है ना, शायद इसलिए। हाँ हाँ। रूपा पैसे देकर चली जाती है। अमित और कमला आपस में बात करने लगते हैं। आपकी तबीयत ठीक है ना? तुम उस लड़की से दूर रहना, इसी में हमारी भलाई है। अरे ये क्या बोल रहे हैं जी आप? अमित काम करने चला जाता है। कमला रूपा से मिलने जाती है। अरे दीदी आप यहाँ? हाँ मैं सोची तुम नहीं आई हो, अकेले सामान की व्यवस्था नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए चली आई। बहुत अच्छा किया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। और तुम्हारा? मेरा नाम रूपा है। वैसे भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने रात में मेरी मदद की थी। रूपा नाम बहुत अच्छा है। किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। कमला को वहाँ बहुत अजीब सी गंध महसूस होती है और वो घर आ जाती है। रात हो जाती है। अमित और कमला सो रहे होते हैं तभी कमला को अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। कमला खिड़की से बाहर झांक के देखती है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल? चुड़ैल? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। उठिए जी, अजी उठिए, देखिए ना बाहर कौन है। चुड़ैल, मुझे पता था यही होगा, अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। क्या पता था आपको? हाँ? कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ। दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते ही अमित मोहल्ले के सरदार से बात करने चला जाता है। सरदार के साथ अमित का दोस्त सुमित भी होता है। अमित क्या बात है, बहुत डरे हुए हो? सरदार जी हमें कुछ करना होगा। हुआ क्या है, पहले बताओगे तब ना। हमारे मोहल्ले में चुड़ैल रहती है। कल रात मैं और मेरी पत्नी कमला दोनों ने उस चुड़ैल को देखा। चुड़ैल कुछ बोल रही थी? हाँ,
बोली रात में जिसे देख लूंगी उसे छोड़ूंगी नहीं। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अरे हमारे मोहल्ले में कोई चुड़ैल नहीं है। सरदार वहां से चला जाता है। अमित और सुमित आपस में बात करने लगते हैं। अमित, हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई हुई है, बहुत सुंदर है, वो हमें बहुत पसंद है। सुमित, तुम दूर रहना उस लड़की से। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वही लड़की चुड़ैल है। तुम भी गजब का मजाक करते हो। मत करो विश्वास मेरी बातों पर, एक दिन पछताओगे। एक दिन सरदार रास्ते में जा रहा था तो सामने से रूपा को आते देख रुक जाता है। तो तुम ही हो नई लड़की? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं इस मोहल्ले का सरदार हूँ। अच्छा, तो आप हैं सरदार जी। आपको यहाँ किसी प्रकार की मदद चाहिए तो हमें बता देना। मदद? वो तो तुझे चाहिए होगी आज। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, आज रात आप मेरे घर आइए खाना खाने। रात हो जाती है, अमित और उसकी पत्नी कमला सो नहीं पाते हैं। उन दोनों को अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी अमित को बाहर सरदार दिखाई देता है। ये सरदार अकेले इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है? होगा कुछ काम, करने दीजिए ना उसे। आज सरदार चुड़ैल के हाथों नहीं बचेगा। तभी रूपा सरदार के पास आती है। अब ये रूपा सरदार के पास क्यों आई है? उसी वक्त रूपा चुड़ैल में बदल जाती है। हे भगवान, रूपा ही चुड़ैल है। कमला छिप कर देख रही होती है। तभी चुड़ैल सरदार का गला पकड़ के हवा में उठा देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आओगे? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। चुड़ैल सरदार का खून चूस चूस के मार देती है। ये सब देख अमित और कमला बहुत डर जाते हैं। सुबह दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब हम लोगों का क्या होगा? ये रूपा ऐसे ही हम सबको एक एक करके मार देगी जी। अब भगवान ही बचाएगा हम सबको। हम लोग ना इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं आज कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ, कल हम लोग इस मोहल्ले को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अमित काम के लिए चला जाता है। कमला घर में अकेली होती है। तभी रूपा वहां आती है। मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, क्या थोड़ी सी चीनी मिलेगी? आज ये चुड़ैल मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी। दीदी दीदी, किस सोच में पड़ गए आप? कुछ नहीं रूपा। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ी चीनी चाहिए थी। हाँ, अभी लाती हूँ। कमला रूपा को चीनी दे देती है। रूपा चली जाती है। रात बहुत हो जाती है। अमित ऑटो लेकर घर जा रहा होता है। आज भी बहुत रात हो गई, उस चुड़ैल के हाथों में मैं पड़ गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। तभी अमित को सुमित दिखाई देता है। अमित ऑटो रोक देता है। अमित कुछ बोलना चाहता है, उससे पहले अमित को रूपा दिख जाती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल रूपा है। आज ये मेरे दोस्त सुमित को नहीं छोड़ेगी। मैंने सुमित को मना किया था, उसने मेरी बात नहीं सुनी। कुछ भी हो इसे मुझे बचाना पड़ेगा। अमित दोनों के पीछे जाने लगता है। तभी अमित को दोनों की बातें सुनाई देती है और अमित छिपके सुनने लगता है। रूपा, तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर? और मैं? ये कहकर रूपा चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल? अब कैसी लगी मैं तुझे? हाँ,
हूना सुंदर, हूना सुंदर, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ। अमित कुछ कर पाता उससे पहले ही चुड़ैल सुमित का गला तोड़ देती है और उसका खून पीने लगती है। अमित ये सब देखकर डर के मारे जल्दी से ऑटो लेकर घर चला जाता है। क्या हुआ जी, इतनी देर कहाँ कर दी हा? और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो आप? कमला, उस चुड़ैल ने सुमित को मेरे सामने मार दिया। मैं वहीं था, सब देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। क्या, सुमित को मार दिया चुड़ैल ने? हाँ, अब इस चुड़ैल का कुछ करना होगा, नहीं तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अमित और कमला सुबह होते ही बाबा के पास चले जाते हैं और बाबा को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। बेटा, हम तुम्हारे दोस्तों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस चुड़ैल को हम छोड़ेंगे नहीं, अब एक भी जान नहीं जाएगी। बाबा कृपया कुछ कीजिए। इसका समाधान है, हम जो बोलेंगे बस तुम लोग उतना करके रखना, हम कल तुम्हारे घर आएंगे। आप बताइए हमें क्या करना होगा? बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रखना और किसी को मत बताना कि ये सब हमने तुमसे कहा है करने को। अमित कमला घर वापस आ जाते हैं। जैसे बाबा ने बताया होता है वैसे ही अमित बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रख देता है। शाम हो जाती है, फिर बाबा वहां आते हैं। नमस्कार बाबा। सदा खुश रहो बेटे, लकड़ियों का इंतजाम हो गया? जी बाबा, हो गया। रात हो जाती है, बाबा पूजा करने लगते हैं, तभी रूपा चुड़ैल बनकर बाहर आती है। किसकी इतनी हिम्मत, जिसने मुझे बुलाया, आज मैं उसका खून पी जाऊंगी। मेरी हिम्मत हुई, आज तेरा आखिरी दिन है, तो बता तेरी कोई आखिरी इच्छा? हाँ, तेरा खून पीना है। अमित, लकड़ियों में आग लगाओ। अमित लकड़ियों में आग लगा देता है। बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल जैसे ही बाबा को मारने की कोशिश करती है, बाबा चुड़ैल को आग में धक्का दे देते हैं और चुड़ैल आग में जलकर मर जाती है। अब ये चुड़ैल खत्म हो गई, दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। उस दिन के बाद चुड़ैल दोबारा कभी नहीं आई। अमित और कमला खुशी खुशी रहने लगे। आधी रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद की हल्की बिलखती रोशनी के बीच रामविलास खेतों का लगभग काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ता कच्चे सड़क से होता हुआ जंगल के किनारों से होकर था। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव से बाहर आने जाने में बहुत डरते थे। उसका सबसे बड़ा कारण वो जंगल था। वही जंगल जिसमें ना जाने कितने खुदकुशी करने वाले लोगों की आत्माएं कैद हैं। अब भला कितना सच और कितना झूठ, ये जानते हैं इस कहानी में। आज पूर्णिमा की रात थी, रामविलास वहां से निकला, तब रात के करीब 12:15 बज रहे थे। थका हारा पूरे दिन काम करने के बाद अब उसे बड़ी जल्दी घर जाना था और उसने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ा अपने गांव की ओर। पूरे रास्ते रात के सन्नाटे में सिर्फ रामविलास के ही साइकिल की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। रामविलास कुछ ही देर में पहुंच गया उस जंगल में जिसमें ना जाने कई गांव वालों ने खुदकुशी की हुई थी। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं क्या माहौल होगा उस जगह का। कितना लंबा रास्ता है,
मेरी तो जान ही निकल गई आते आते। अब बस जल्दी से ये जंगल निकल जाए, फिर आराम से घर पहुंचकर सुकून की नींद सोऊंगा। वैसे भी कल सुबह सवेरे उठकर दोबारा फसलों की बिक्री करना है। यही कहता हुआ रामविलास जंगल के अंदर दाखिल हो गया। साइकिल की गति तेज करता हुआ रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़ों को क्रॉस करता है कि तभी साइकिल का चक्का एकदम जाम हो जाता है और रामविलास सीधा मुंह के बल जा गिरता है। हाय मैया, ये क्या हुआ? अरे इस साइकिल को भी अभी खराब होना था। रामविलास अब वहां से पैदल ही गुजरने लगा। खैर इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी बढ़ते कदम के साथ कुत्तों के रोने की तेज आवाज उसे सुनाई पड़ती है। पूरे जंगल का माहौल एकदम डरावना लग रहा था। तभी अचानक रामविलास की नजर पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा एक आदमी गर्दन में फांसी लगाए डाल से झूल रहा था। वो इससे ज्यादा कुछ बोल पाता या सोच पाता, उसी पल में वो लटकती लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान था। वो जंगल के लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुका था। मैंने सुना है गांव के किसान और अपनी जिंदगी से परेशान लोग इसी जंगल में आकर आत्महत्या कर लेते हैं और फिर हमेशा उनकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रहती है और सूरज ढलने के बाद जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हे राम, उठिए उठिए, हमें छोड़कर मत जाइए। यही आवाज लगातार रामविलास के कानों पर पड़ रही थी। यह बिल्कुल वही आवाज थी जब कोई आत्महत्या कर लेता है और तब उसके परिवार वाले उसकी लाश को देखकर बिलखने लगते हैं। तभी रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावने लफ्ज में एक आवाज गूंजने लगती है। रामविलास, हमको भूल गया? रामविलास, हम तुम्हारे दोस्त, याद है ना उस रात क्या हुआ था? ये आवाज सुनकर रामविलास का पसीना छूटने लगा। वो भगवान का नाम लेता हुआ चलता रहा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसका डर और दहशत में बदल गया। रामविलास हल्का मुड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीठ पीछे कोई 6 फुट का आदमी खड़ा उसके कंधे को दबा रहा था। उसे दर्द होने लगा और किसी तरह उस हाथ को उसने अपने कंधे से हटाया। रामविलास ने अपने फोन में समय देखा तो रात के 1:05 का समय बचा था। दहशत का सबसे तगड़ा पहर यही होता है और अब तो वो बिल्कुल किसी नदी के बीच धार में फंस चुका था। तभी उसे लगा जैसे ठीक उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पीछे से उसे फिर एक आवाज सुनाई दी। उस रात फसलों में आग लगाते मैंने देख लिया था रामविलास। कहां भाग रहे हो? रुक जाओ रामविलास, रुक जाओ। पीछे से आती ये आवाजें बार बार रामविलास के डर को बढ़ा रही थी, लेकिन अभी तो कहानी की बस शुरुआत थी। वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे खुद से कुछ दूर आगे एक आदमी खड़ा दिखा जिसके गले में फांसी का फंदा था और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। वो उस आदमी को देखते ही रुक गया। बिरजू, तू पिछले साल खुदकुशी कर बैठा था ना, तू अभी जिंदा है? जिंदा है तू अभी? रामविलास ने इतना बोला ही था कि तभी सामने खड़ा शख्स गोली की रफ्तार में ना जाने कैसी बहती हवा में एकदम गायब सा हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक भयानक मुस्कान रामविलास को अब भी डराए जा रही थी। क्या वो बिरजू था? नहीं, शायद मैंने कोई सपना देख लिया।
थकान के कारण सठिया गया हूँ। मरे हुए कभी लौटते थोड़ी हैं। इतना कहते हुए रामविलास आगे बढ़ा। वो चार कदम चला ही था कि एक खतरनाक आवाज में किसी ने पीछे से बोला, मरे हुए भी लौटते हैं जब उन्हें बदला लेना होता है। एक तेज भूतिया हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। रामविलास खौफ से पूरी तरह जम गया। तभी सन से एक तेज हवा का झोंका बिल्कुल उसके करीब से गुजर गया और इसके तुरंत बाद उसे उन जंगल के पेड़ों पर कोई भागता दिखा। रात के इस घने कोहरे वाले माहौल में वो अकेला शख्स सिर्फ भगवान को याद कर सकता था, तो वहां से आगे चलता गया। रात की गुप्त खामोशी जंगल के माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी बिजली कड़कने लगी। लगता है बारिश तेज होने वाली है, जल्दी निकलना होगा। ये कहकर रामविलास तेजी से भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि तभी कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में उसे सामने बिरजू दिखा। इस बार बिरजू की वो खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। रामविलास पता नहीं क्यों जमीन से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था वो जमीन से चिपक गया। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास की तरफ बढ़ रहा था। बिरजू की आंखें पूरी सफेद थी और गले पर गहरे चोट के निशान थे, जिसे ये साफ पता चल रहा था कि बिरजू की मौत फांसी पे लटकने के कारण हुई है। मैं तेरा दोस्त हूँ बिरजू। अरे यार जाने देना बिरजू, मैं तेरा दोस्त हूँ। रामविलास की इन बातों को सुनकर बिरजू का प्रेत जोरों से हंसने लगा और बोला, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, दुनिया से अलग कर दिया, और अब मुझे कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं, जाने दूं, ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत ने रामविलास को हवा में उछालते हुए सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिया और बोला, देख रामविलास, इस पेड़ को देख, तेरे कारण ही उस रात मैंने इस पेड़ से फांसी लगाकर तड़प तड़प कर खुद की जान ले ली थी। जरा याद कर वो रात, इसी पूर्णिमा की रात, जलन और लालच के चलते तूने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था, याद कर। रामविलास कुछ याद करने लगा। तभी उसे ठीक एक साल पहले पूर्णिमा वाली रात को घटे घटना का जिक्र याद आया। आज से ठीक एक साल पहले कटनी का माहौल खेतों में जोरों शोरों से छाया था। सबके खेत गांव से दूर होते थे, तो ऐसे में कुछ दो चार लोग रात को जागकर खेतों की रखवाली करते थे। रामविलास सब पर नजर रखे हुआ था। कुछ लोगों को दारू पिलाकर रामविलास ने सोचा कि बिरजू, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको खत्म कर दूंगा। रामविलास और बिरजू में सांप नेवले वाली दुश्मनी थी। जलन और लालच के प्रतिशोध में जलता रामविलास ने धोखे से बिरजू के फसलों और हरे भरे खेतों को जलाकर राख कर दिया। अगली सुबह गांव वालों को लगा शायद खेत जलने से सब तबाह हो गया, लेकिन ये सब तो एक सोची समझी साजिश थी जिसे रामविलास ने अंजाम दिया था। बिरजू की सारी मेहनत और उसके परिवार का पेट भरने का एकमात्र साधन उससे छीन लिया। अगले दिन बिरजू ने उसी जंगल के एक पेड़ से लटक कर खुद की जान ले ली और तड़प तड़प के इस दुनिया को अलविदा कहा। जब उसकी लाश को गांव लाया गया तो उसके परिवार में मातम का माहौल पसरा था। पता नहीं क्यों पर उस वक्त रामविलास को भी अपने सच से घुटन होने लगी और उसने बिरजू के मरे शरीर के कान में ये कह दिया कि उसने ही बिरजू के खेत को चलाकर राख कर दिया था। वो अपना बोझ हल्का करना चाहता था। रामविलास ने अपने अंदर उबलते सच को बता तो दिया, लेकिन बिरजू ने मौत के बाद भी शायद उस सच को सुन लिया और
वापस उसकी आत्मा परलोक से एक बार फिर मृत्यु लोक आई, सिर्फ और सिर्फ रामविलास को उसके किए की सजा देने। रामविलास को ये सब याद आ रहा था, तभी उसकी गर्दन कसने लगी, उसकी सांसें बंद होने लगी। वो चीखना चाह रहा था लेकिन उसकी जबान से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। कोई मोटी सी रस्सी उसके गले को कस रही थी, साफ शब्दों में उसे फांसी दी जा रही थी। अब वो बिल्कुल फांसी के फंदे पर झूलने लगा और बिरजू वहीं पेड़ के नीचे एक प्रेत की खौफनाक हंसी दिए जा रहा था, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। रामविलास ने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और उसके बाद अगले दिन गांव वालों ने जो देखा, सबने रामविलास के मरे शरीर का खौफनाक चेहरा देखा। उसकी आंखें नहीं थी, जबान बाहर लटकी हुई थी, फंदा उसके गले में बहुत बार लपेटा था लेकिन अब वो बार बार हिल रहा था। गांव के लोग और उसके परिवार के लोगों को रामविलास की खुदकुशी का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, अब कर्म का पाप तो इंसान इसी लोक में भोग कर जाता है, इसलिए किया हुआ वापस जरूर लौटता है। अगर किसी के साथ धोखा किया तो उसका बदला मरने के बाद और घातक होगा।